वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। देश भर में लुलु मॉल इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है। वजह है नमाज। जिस तरीके से नमाजियों ने मॉल के अंदर नमाज को अदा किया, उसका छोटा से क्लिप जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके बाद बवाल मच गया। हिंदू संगठन ने जैसे इस क्लिप को देखा तो उन्होंने भी कहा कि हम अब जाएंगे मॉल के अंदर और यहाँ पर सुंदरकांड या फिर हनुमान चाल से की जाएगी। इन सबको लेकर अभी विवाद चल ही रहा था कि दूसरी ओर एक बड़ी जानकारी सामने आई, जहाँ पर कट्टरपंथी ने एक मॉल के अंदर घुस के ताबड़तोड़ गोलियाँ बरसा दी, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। एक तरफ लुलु मॉल में बवाल मचा हुआ है, दूसरी तरफ अमेरिका में फिर से सरेआम लोगों पर गोलियां चलाने का मामला सामने है। घटना ग्रीनवुड शहर के इंडियाना मॉल की है। यहां एक शख्स ने अचानक फूड कोर्ट में बैठे लोगों के ऊपर शाम को गोलियां दागनी शुरू कर दी। गोलीबारी में कई लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मरने वालों में से एक हमलावर भी है। ग्रीनवुड पुलिस डिपार्टमेंट चीफ जिम इसोन ने रविवार शाम को 6 बजे इमरजेंसी कॉल सेंटर से पता चला कि इंडियाना मॉल में ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है। घटना में कई लोगों की मौत भी हुई है, हमलावर भी मारा गया। उस मॉल में हथियार से लैस एक व्यक्ति मारा गया, तब तक जाकर यहाँ पर मामला शांत हुआ। बताया जा रहा है कि ये कोई कट्टरवाद था जिसको किसी संगठन से बहुत चिढ़ थी और उसने ताबड़तोड़ इसी में गोलियां बरसाई हैं। पुलिस ने हमलावर की जानकारी देते हुए बताया कि इस बार हमला करने वाला व्यक्ति 12 साल का है और उसके पास लंबी राइफल और कई सारी मैगजीन थी। अंदर मौजूद लोगों ने बताया कि उन्हें फूड कोर्ट से अचानक 20 गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। हमलावर फूड कोर्ट में ही गोलीबारी कर रहा था जब उसे मारा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, अमन, वीके न्यूज।